शामली जनपद के गांव मसावी से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिछले दिनों 15 जमातियों को लाकर कस्बा जलालाबाद स्थित गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए थे। वहीं शुक्रवार की रात आई जांच रिपोर्ट में 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 जमाती बांग्लादेश और 1 असम का रहने वाला है। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिस पर रात में ही जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 3 कोरोना पॉजिटिव जमातियों को कस्बा झिंझाना स्थित लेवल 1 कोविड-19 अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। जनपद शामली में कल 3 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सूचना मिलते ही तुरंत सीएमओ की मेडिकल टीम जो रवाना हुई और 3 लोगों को ले आकर यहाँ पे हमारे CHC झिंझाना, जो हमारा कोविड अस्पताल है, वहाँ उनको भर्ती कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करी जा रही है। उनसे संबंधित जितने जुड़े हुए क्लोज कॉन्टैक्ट्स लोग थे, वो लगभग 23 लोग ऐसे हैं जो उनके साथ रह रहे थे, उन सभी को हमारा जो 100 बेड में क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पे उनका रेगुलर स्वास्थ्य मॉनिटरिंग होगी और यदि उनको कोई सिम्टम आते हैं तो उनका जो है तत्काल जो है सैंपल लिया जाएगा और उनका मेडिकल जाँच जो है वो कराई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे तबलीग से संबंधित लोग हैं, कई लोगों का सैंपल अभी भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। रिपोर्ट जैसे ही आएगी वैसा उसको शेयर कर लिया जाएगा और प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई जो है वो करी जाएगी।